आज TDRW द्वारा एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। जैसा कि आपको बताते नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी का आज विदाई और सभा सम्मान समारोह किया गया। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगरा जा रही हैं। आपने पिछले 4 वर्षों से नोएडा को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, साथ ही यहाँ के जो जनमानस हैं और जो सामाजिक संगठन है उनका भी आपको बहुत सहयोग मिला। क्या कहना चाहेंगी, आज आपका विदाई समारोह है, आपको सम्मानित भी किया जा रहा है, क्या आप संदेश देना चाहेंगी यहाँ के वासियों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 4 वर्ष का कार्यकाल नोएडा प्राधिकरण, जो मैंने सीईओ देखा और कुछ महीने ग्रेटर नोएडा भी देखा, जनपद में और अथॉरिटी में बहुत काम करने का मौका मिला। जाते मैं आज मैं यहाँ की जितने RWAs हैं, यहाँ के नागरिक हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। ये 4 वर्ष चुनौतीपूर्ण रहे, कोविड भी रहा, उसके बावजूद प्रदेश में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स, प्रदेश में हाईएस्ट स्वच्छता रैंकिंग्स और प्रदेश में हाईएस्ट ग्रीनरी के इंडिकेटर्स, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज और सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ इन 4 वर्षों में नोएडा अथॉरिटी ने हासिल किए। तो निश्चय ही सभी रेजिडेंट, सभी एसोसिएशंस, चाहे वो DDRWA हो या अन्य एसोसिएशन हो, सबके सहयोग से आज नोएडा न केवल प्रदेश का बल्कि देश का एक ऐसा शहर बन गया है कि हर व्यक्ति, हर इन्वेस्टर यहाँ रहना भी चाहता है, यहाँ काम भी करना चाहता है और अपनी इंडस्ट्री भी यहीं स्थापित करना चाहता है। आगे नोएडा ऐसे ही बढ़ता रहे और आगे बढ़े और एक ऐसा रोल मॉडल इस्टेब्लिश हो कि प्रदेश के, देश के और इवन बाहर से लोग यहाँ की कार्य प्रणाली देखने आए, यही मेरी आशा रहेगी, यही मेरी इच्छा रहेगी। तो देखिए, अभी हमने यहाँ रितु महेश्वरी जी से बातचीत की है। देखिए, इस बात में कहने में कोई शक नहीं होगा कि रितु महेश्वरी के सानिध्य में जो नोएडा में जो कार्य हुए हैं वो उनपे जो नोएडा की पहचान बनी है वो एक विश्व पटल पर लेके गए हैं। चाहे हम स्वच्छता की बात करें, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, बहुत ही जो यहाँ कार्य हुए हैं उनके जो नोएडा प्राधिकरण की सीईओ के रूप में उन्होंने किए हैं वो काफी सराहनीय है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।